दुर्ग जिले के कुम्हारी इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था का आईना करार देते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि दुर्ग जिले के कुम्हारी में जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर आज चार लोगों की दर्दनाक हत्या हुई है। इस हत्या ने छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। दुर्ग मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का गृह जिला है। हमारी मांग है कि जो भी हत्यारा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ तेजी के साथ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जिले के कुमारी में जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पर आज चार लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, हत्या हुई है। इसने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कानून और व्यवस्था की पोल खोल के रख दिया है। ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, गृह मंत्री जी का गृह जिला है। हमारी मांग है कि जो भी हत्यारा है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए। दुर्ग की जो घटना हुई है बेहद ही निंदनीय, क्रूर, अमानवीय घटना है। इस घटना की कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है, लेकिन घटना विशेष के आधार पर नेता प्रतिपक्ष को पूरे राज्य की कानून व्यवस्था से सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। इससे पुलिस का मनोबल टूटता है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है।